हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस और फ्यूचर को लेकर के। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आपसे सिंपल मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि 24,713 करोड़ रुपए, जिसको हम 25,000 करोड़ रुपए मान ले रहे हैं, 25,000 करोड़ रुपए आपके सामने दो ऑप्शन है, 25,000 करोड़ रुपए और एक ऑप्शन है 1,500 करोड़ रुपए। 1,500 करोड़ रुपए और 25,000 करोड़ रुपए में सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है? तो आप सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे बोलेंगे कि 25,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है 1,500 करोड़ रुपए के मुकाबले। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, फ्यूचर कूपन लिमिटेड के अंदर अमेज़ॉन का 1,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 49% की हिस्सेदारी ओन करता है और 3.6% की हिस्सेदारी वो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर ओन करता है, क्योंकि 10.6% की हिस्सेदारी जो है फ्यूचर ग्रुप के अंदर फ्यूचर रिटेल ओन करता है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक तरीके से देखा जाए तो मेजॉरिटी में प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए? फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील है, इससे 25,000 करोड़ रुपए जो है फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ को बचाने के लिए आ सकता है। और यहाँ पे 1,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे दोनों का वेट ज़्यादा किसका है? देखिए, फिजिकली अगर आप मतलब ऐसे ही देखेंगे, न्यूमेरिकली देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू तो 25,000 करोड़ रुपए की है अगर हम देखें, तो प्रायोरिटी इसी को मिलनी चाहिए। लेकिन लॉज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो जजमेंट दिया है, वो फ्यूचर ग्रुप को फेवर जरूर से नहीं करता है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ये बात जो है इंश्योर करनी चाहिए कोर्ट को कि भारत, हमारे इंडियन कंपनीज, हमारे इंडिया की कंपनी है बिग बाज़ार फ्यूचर ग्रुप का एग्जिस्टेंस का सवाल है। फ्यूचर ग्रुप अगर बना रहेगा हमारे देश के अंदर, तो कितने लोगों को नौकरियाँ बनी रहेंगी, कितने लोगों की नौकरियां रहेंगी, कितने लोग जो हैं इनो अच्छे से अपनी लाइफ को चला पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप के बने रहने से, इसकी कंपनीज़ के बने रहने से सरकार का ही तो फ़ायदा है। घुमा फिरा के सरकार को अलग अलग तरीके से फ़ायदे हैं, डूबने के बाद सरकार को ही नुकसान है। एक बार में सरकार अगर इस सोच के साथ जीती है कि अगर एक कंपनी डूबेगी तो उसको कहीं ना कहीं से तो मिलता ही रहेगा, तो ये अगर सरकार की सोच है तो मुझे लगता है कि ये सोच सरकार की हो चाहे किसी की हो, उसको भिखारी बना के छोड़ती है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, एक डुबा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये गलत सोच है, दिस इज़ नॉट फेयर। ये सोचने की जगह पे ये सोचना चाहिए कि जो हमारी कंपनीज फंक्शनल नहीं है, उनको फंक्शनल बनाया जाए, उनको ऑपरेटिव बनाया जाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील को लेकर के जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ॉन का फेवर किया। देखिए, अमेज़ॉन यहाँ पे 1,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन इंडियन कंट्रीज, इंडिया की कंपनी है, प्रायोरिटी के बेस पे अगर हम देखें तो इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए अथॉरिटीज़ को मिल करके। हाँ, थोड़ी बहुत गलती फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी की हुई थी, उस गलती को लेकर के अलग से एक उसका सलूशन निकालना चाहिए, ना कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। देखिए, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में डायरेक्ट फ्यूचर अमेज़ॉन का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनडायरेक्टली उसमें 3.6% होल्डिंग करता है वो फ्यूचर रिटेल कूपन के रास्ते से। लेकिन उसको उसी रेशियो में अलग से उसका जजमेंट निकलना चाहिए, ना कि पूरे केस को इंस्टॉल करवा दिया। दिस इज़ नॉट फेयर। कर्जा बढ़ता जा रहा है और आउटकम कोर्ट्स का नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर से अभी तक जजमेंट को प्रिजर्व ही रिजर्व करके रखा गया है, अभी भी उसको आउटकम उसका नहीं आया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। ये चीज़ होनी तो नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर FDI को सरकार इतना ही खुश करना चाहती है,
ध्यान से सुनिएगा, अगर FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सरकार इतना ही अगर खुश करना चाहती है तो वोडाफोन आइडिया को क्यों नहीं कर देती है? क्योंकि वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन का तो $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, छोटी मोटी रकम नहीं है। यहाँ तो अमेज़ॉन का सिर्फ 1500 करोड़ रुपये है, कौन सी बड़ी बात है बताइए ना, जो कि $1 बिलियन भी नहीं है बताइए। तो $30 बिलियन जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे FDI की चिंता नहीं है, और यहाँ पे चिंता हो रही है जहाँ पे 1500 रुपये का मात्र अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, और दूसरी कंपनी जो अपने देश की कंपनी है वो कर्जों के बोझ तले दबी जा रही है। क्या उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए सरकारों को? क्या सरकार के पास सोचने के लिए कोई संसाधन नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं बचा है फ्यूचर ग्रुप कंपनीज़ को बचाने के लिए? मुझे लगता है कि सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार या तो समझ नहीं पा रही है या फिर उसका इरादा ही नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो होना था वो तो हो गया, अब दिल्ली हाई कोर्ट आ गया उसका एडवांटेज लेते हुए फ्यूचर ग्रुप से 20 लाख रुपये हड़पने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उनका जजमेंट ही ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए बयान से काफ़ी ज़्यादा एम्पावर हो जाता है, और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया है किशोर बियानी जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को काउंटर करने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि इसका रिज़ल्ट अभी भी नहीं आया, और अभी भी कुछ क्लियर कट पता नहीं चल पा रहा है कि फ्यूचर ग्रुप कंपनीज़ को बचाने के लिए क्या पैकेज और कौन लेके आएगा। अमेज़ॉन का बेल आउट पैकेज क्या होगा इसके बारे में हमें तभी पता चलेगा जब हमें सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर से आउटकम आ जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है इसी अगस्त के महीने के एंड तक। अब हम लोग एंड में ही तो आ चुके हैं, आज 27 है, 3-4 दिन और बचे हैं, और इसी 3-4 दिन में उम्मीद है कि सिंगापुर से फैसला आने वाला है। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, डिले भी हो सकता है इसमें, तो इसलिए अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, बस आप चौकन्ना रहिएगा चीज़ों को लेकर के, ध्यान में रखिए। और चलिए आपसे आगे कुछ और बातें करते हुए हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर फ्रेंड्स।